Cooperation is also one of the important features of any society. According to sociologists, cooperation is principally essential for constituting any society in the world. According to Peter Kropotkin, has claimed that it is difficult for society to survive without any cooperation. Peter was a Russian philosopher, and according to him, that it is very difficult to develop any society without the cooperation as a feature of the society. C.H. Cole has related cooperation with the common interests of people. Cole was a sociologist, American sociologist, and according to him, that common interest is the basis of the cooperation in any society. क्योंकि लोगों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं या बेनिफिट्स होते हैं वो उनको एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं और उसके लिए वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स और फॉर गेटिंग दोज बेनिफिट्स इन द सोसाइटी. अगर आप इंटरडिपेंडेंस को ही इसके साथ रिलेट करें तो इंटरडिपेंडेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो कॉपरेशन आती है, क्योंकि कॉपरेशन बेस करती है इंटरडिपेंडेंस की ऊपर. और इंटरडिपेंडेंस जो है वो ये बेसिस या ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके बाद लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं. और उसी डिपेंडेंस की वजह से जो लोगों की अपने मामलात की वजह से एक दूसरे के साथ होती है, बेशक वो बेसिक नीड्स हों जिनको फुलफ़िल करने के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हों, कोई भी बेनिफिट्स हों जिनको हासिल करने के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, या कोई भी ज़िंदगी का ऐसा मामला है जिसके लिए उनको किसी ग्रुप की, किसी कम्युनिटी की, किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. और इस डिपेंडेंस की वजह से ये कॉपरेशन का फीचर जो है वो सोसाइटी में डिवेलप हुआ है और ये आपको नज़र भी आता है. So cooperation is a basis and basic form of human contact and association. So aapki jo human contact hai, human to human ya individual to individual aur group to group contacts jo hain, wo basically wo associations aur wo contacts jo hain wo cooperation ko janam dete hain, ya aapko wo jo formal contacts hote hain wo cooperation ki shakal mein nazar aate hain. Cooperation avoids mutual destructiveness and violence in the society. जिस तरह इंटरडिपेंडेंस में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कॉपरेशन या इंटरडिपेंडेंस जो होती है वो सोसाइटी को वॉयलेंस से और डिस्ट्रक्शन से दूर रखती है, और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि लोग जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर बेनिफिट्स, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, और उसके लिए वो एक दूसरे के साथ मामलात को बिगाड़ते नहीं हैं या किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते, और उसकी वजह से एक सोसाइटी में एक पीसफुल एनवायरनमेंट या एक स्टेबल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होती है. और इसी एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है कि सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव बनाया जाए और इसको एज अ नॉर्म भी इंट्रोड्यूस कराया जाए किसी भी सोसाइटी में, ताकि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बेहतर तौर पर कोऑपरेट कर सकें मुख्तलिफ मामलात में और अपने ज़िंदगियों को आसानी के साथ गुजार सकें. इट प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. ऑब्वियसली जब लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी जो है वो प्रमोट होगी किसी भी सोसाइटी में. और लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कॉपरेशन में मदद का एलिमेंट लाजमी होता है. सो लोग जब एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, तो वो एक वेलफेयर को प्रमोट करेगा किसी भी सोसाइटी में. इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. सो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, ये एक ऐसा फीचर है जिसको आप इंसानों के लिए एक नेसेसिटी के तौर पर भी देख सकते हैं. इट्स नॉट ओनली द फीचर ऑफ द सोसाइटी, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनी ह्यूमन. सो अगर किसी भी इंसान को आप एक सोसाइटी में देखते हैं, तो उसके लिए ये एक बुनियादी ज़रूरत है कि वो किसी दूसरे शख्स के साथ, किसी दूसरे ग्रुप के साथ, उसकी जहाँ जहाँ एसोसिएशंस होंगी, वो ज़िंदगी में जहाँ जहाँ एसोसिएटेड होगा, वो जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट करेगा, और वहाँ पे सर्वाइवल के लिए उसको कॉपरेट करना भी पड़ेगा और करना चाहिए भी, ताकि सारे मामला जो हैं वो बेहतर तौर पर अंजाम दिए जा सके. सो अगर आप सोसाइटी के डिफरेंट फीचर्स को देखें, जिसमें इंटरडिपेंडेंस भी है, कॉपरेशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, लाइकनेस भी है, अवेयरनेस भी है, सो ये सारे आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते. इन ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के बगैर ये नामुकम्मल भी हैं. सो इनको समझने के लिए भी और ऑब्जर्व करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि सारों को आप एज अ होल यूनिट के तौर पर स्टडी करें, एक्सप्लोर करें,
और जब आप एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली दूसरी चीज़ आपको खुद बहुत समझ आएगी. जैसा इंटरडिपेंडेंस को समझने के साथ अगर आप कोऑपरेशन को लिंक करेंगे तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि इंटरडिपेंडेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज किसी भी सोसाइटी में आती है वो कोऑपरेशन की ही होती है और ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. जिस तरह इंसान एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं इसी तरह ये फीचर्स भी डिपेंडेंट हैं और सोसाइटी इनके बगैर जो है वो नामुकम्मल है.